नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 5 अप्रैल को ही दीपक जलाने के पीछे क्या है बड़ा वैज्ञानिक तथ्य? क्या दीपक जलाने से विषाणु और जीवाणु मरते हैं? क्या विज्ञान भी इसको मानता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 5 अप्रैल को रात 9:09 तक घरों के बाहर दीयों का प्रकाश फैलाने के लिए आह्वान किया गया और लोग इसके लिए आतुर भी थे, मानो दिवाली मनाने जा रहे हों। इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। भारत का प्रधानमंत्री आह्वान करता है और उसे पूरे 130 करोड़ भारतवासी मानते भी हैं। ये भारतवासियों के लिए क्या मायने रखता है, ये पूरी दुनिया ने देख भी लिया और सुन भी लिया, क्योंकि इससे पहले घंटियां बजाई गई, थाली बजाई गई और शंखनाद भी किया गया, जिसे पूरी दुनिया ने सुना। लेकिन आज 5 अप्रैल को घर घर में दिवाली की तरह दीपक जलाए गए, लाइटें बंद कर दी गई और पूरा देश जैसे जगमगाने लगा। लोगों ने भी ये मान लिया कि आत्मबल और उत्साह का प्रतीक प्रकाश कोरोना पर निश्चित ही भारी पड़ेगा। इसको विज्ञान और विशेषज्ञ भी मानते हैं। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर के ब्रिजेश दुबेद जी, जिन्होंने एक खास रिपोर्ट तैयार की, दीपों को शुभ और मंगल का कारक माना जाता है, इसे कल्याण कारक भी मानते हैं। दीप जलाने से वातावरण रोग मुक्त हो जाता है। बताया जाता है कि हवा हल्की हो जाती है और वातावरण स्वच्छ होता है। ये केवल हमारा प्राचीन ज्ञान ही नहीं, बल्कि देश के श्रेष्ठ विज्ञान संस्थानों में केमिकल इंजीनियरों का भी यही कहना है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सरसों के तेल में मैग्नीशियम ट्राइग्लिसराइड, एलाइल आइसो थायोसाइनेट पाया जाता है, क्योंकि एलाइल जलने से कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वे लो की चपेट में आकर जल जाते हैं। इसके बाद तेल में मौजूद मैग्नीशियम हवा में मौजूद सल्फर और कार्बन के आई ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सल्फेट और कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से ये विषैले भारी तत्व जमीन पर आ गिरते हैं। और यही कारण है कि दीप जलने के बाद आसपास में सफ़ेद रंग की राख दिखाई देगी और भारी तत्व जलकर हवा को हल्की कर देते हैं, जिसमें सांस लेना आसान हो जाता है। और यही सब घी का दीपक जलाने पर भी होता है। गाय के दूध से निर्मित घी का दीपक रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। डॉक्टर और वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे वातावरण खुशनुमा हो जाता है, इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाता है, जिससे व्यक्ति निरोगी रहेगा। प्रोफेसर अनिमांशु घटक, विभागाध्यक्ष केमिकल इंजीनियरिंग विभाग ITI कानपुर, ये मानते हैं कि मैं यह तो नहीं कहूँगा कि दिए जलाने से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि सरसों के तेल में ऐसे तत्व होते हैं जिनके ज्वलन और वातावरण में मौजूद रसायनों से अभिक्रिया होने के बाद विषैले तत्वों, कीट पतंगे और रोगाणुओं को मारने की शक्ति पर्याप्त होती है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि दीपावली के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी ये है। रसायन विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है और दीपक जलाने से हवा भी हल्की और साफ हो जाती है। ये बात HBTU कानपुर सैन्य विभाग का अध्यक्ष ऑयल एंड पेंट टेक्नोलॉजी प्रोफेसर RK त्रिवेदी का भी कहना है। वे मानते हैं कि दीपक जलाने से नमी भी बढ़ती है और अधिक संख्या में जलाने पर वातावरण के अंदर तापमान बढ़ता है। दोनों ही स्थितियां कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी है। और क्योंकि इस बार मार्च और अप्रैल का औसतन तापमान कमावेश अक्टूबर जैसा ही है, जैसा कि दिवाली के समय रहता है, इसलिए हवा भारी है, दीपक जलाने से ये हवा हल्की हो जाएगी। वहीं कुछ ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वाले का भी अलग तथ्य है। वे सितारों की गणना करने के बाद कहते हैं कि 5 अप्रैल को एक बड़ा वैज्ञानिक कारण होने के साथ साथ सितारों और राशियों की भी अपनी चाल के मुताबिक एक साथ दिए जलाना महामारी और खतरनाक विषाणुओं को नष्ट करता है। इसके पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मुझे उम्मीद है आप अपने घर में बहुत हैप्पीली और बहुत सेफली रह रहे हैं, पूरी प्रिकॉशंस लेकर रह रहे हैं।
मैं डॉक्टर जय मदान एंड बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर समथिंग वेरी इंट्रीगिंग एंड इंटरेस्टिंग आई नोटिस जब सुबह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें 5 अप्रैल को यानी कि 5 तारीख को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाना है. दिस इज सो स्ट्रेंज. इट इज़ ब्यूटिफुल हाउ द साइंस रिवील इट सेल्फ. एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्टिव साइंस भी है, एक गाइडिंग साइंस भी है और एक रेमेडियल साइंस भी है. मोदी जी ये काम 4 तारीख को भी करा सकते थे, शाम को 8 बजे भी करा सकते थे, 7:30 बजे भी करा सकते थे, बट 9 बजे ही क्यों. 9 बजे, 9 नंबर जो है ये मार्स का नंबर है यानी कि मंगल का. 9 बजे और 9 मिनट यानी कि मार्स का डबल इफेक्ट. तो जब मार्स आप स्ट्रांग करते हैं तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपके अंदर चीज़ों को लड़ने की क्षमता आती है, ये आपके अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपकी ओवरऑल ताकत को बढ़ाता है, एक हिम्मत देता है, एक कारेज देता है ये प्लैनेट. और 5 तारीख को चंद्रमा जो है ये लियो में है यानी कि सिंह राशि में है. सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि, सूर्य मतलब कि रोशनी. तो जब आप रोशनी जलाएंगे तो चंद्रमा को भी ताकत मिलेगी यानी कि आपके मन को ताकत मिलेगी, आपके मन को नहीं हमारे देश को भी ताकत मिलेगी. और एक बात, ये जो काल सर्प योग की सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से लोग रिबेल हो रहे हैं, कोई मीटिंग्स में जा रहा है, कोई घर छोड़कर भाग रहा है, कोई डॉक्टर्स को पत्थर मार रहा है, ये इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा. मोर देन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप दिया जलाते हैं 9 मिनट के लिए और उस समय आप मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे साउंड एनर्जी भी क्रिएट होगी. लाइट एंड साउंड व्हेन कंबाइंड टुगेदर इट इज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन. आप दिया या कैंडल ही जलाएं. आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक लाइट का प्रयोग ना करें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी राहु को रिफ्लेक्ट करता है और हमें राहु की एनर्जी को ही इस समय कम करना है यानी कि अंधकार को कम करना है. तो जब आप दिया जलाएं वो मस्टर्ड ऑयल का होगा तो बहुत अच्छा है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है. अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा कपूर ज़रूर डालिए. अगर आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो उसमें आप एक लौंग डाल सकते हैं ताकि आप सैटन यानी कि जो डिजीज़ फैल रहा है इसकी एनर्जी को कंट्रोल कर सकें. दूसरी चीज़, अगर आप कैंडल जलाते हैं तो आप उसमें कुछ दाने बाड़ लें यानी कि ज्वार के डाल दीजिए ताकि राहु के इम्पैक्ट को कम किया जा सके. अगर हम सब देशवासी ये सब मिलके करेंगे क्योंकि 5 तारीख को 9 बजे जो सिचुएशन ट्रांजिट की होगी क्योंकि उस समय लिब्रा असेंडेंट होगा तो राहु 9th हाउस में होगा लिब्रा असेंडेंट के. तो जब आप सब दिया, हम सब दिया जलाएंगे या कैंडल जलाएंगे जो कुछ भी आप कंफर्टेबली जलाना चाहते हैं तो 9th हाउस उस समय ब्रह्मा